हैं और जाने के क्रम में आज हम लोग यहाँ पे कांटी पे आज कारी साहब के आवास पर लोग उपस्थित हैं। पुनः जो जो हमारे जो वंचित समाज थे, ये जो हमसे भाग गए थे, उनको भी हम लोग जोड़ करके मुख्यधारा में ला करके उनको हम संगठन में मजबूती के साथ काम करेंगे। मजबूती के साथ अति पिछड़ा समाज उनके साथ है। आज ही अति पिछड़ा समाज जहाँ भी एक है गोलबंद होकर नीतीश कुमार के पक्ष में काम करते हैं। देखिए, खासकर बिहार में पहले एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए जिन्होंने अति पिछड़े समाज को आरक्षण दे करके मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कांटी नगर परिषद अंतर्गत पेट्रोल पंप कोलनी स्थित समीधा कोचिंग सेंटर में जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह निषाद और अन्य अतिथि का स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष कारी साहू ने अतिथियों को बगहा जाने के क्रम में फूल माला और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बरारी विधायक ने कहा कि जदयू के मजबूती के लिए अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बगहा बेतिया मोतिहारी शिवहर सीतामढ़ी के दौरा पर निकला है। बोचहा चुनाव को लेकर विजय सिंह निषाद ने कहा कि सिर्फ एक विधानसभा के परिणाम से लोकप्रियता का आकलन करना गलत है। अगले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार बनेगी। साथ ही वहां पर कई लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि इस मौके पर जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार बादल, सहकारिता प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पप्पू सिंह निषाद, उपाध्यक्ष दीपक सिंह, अमरनाथ चंद्रवंशी, प्रदेश सचिव रंजीत सहनी, राजकुमार गुप्ता, शिवशंकर नारायण सहनी, बैजू सहनी, मोहम्मद हाफिज, अमलेश कुमार सहित कई जदयू कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, आज हम लोग का पहला दिन है जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा हम लोग आज बगहा, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, सिवान, शिवहर के दौरा पर हम लोग निकले हैं और जाने के क्रम में आज हम लोग यहाँ पे कांटी पे आज कारी साहु के आवास पर लोग उपस्थित हैं। और खासकर अति पिछड़ा जो प्रखंड जो ये प्रकोष्ठ है, इस प्रकोष्ठों का कैसे मजबूती हो, संगठन कैसे मजबूत हो और संगठन में अच्छे साथी जो हमारे जो पूर्व में काम कर रहे थे, जो नए व्यक्ति हैं, उनको हम लोग संगठन में जोड़ेंगे ताकि जो अति पिछड़ा का जो काम है, जो प्रकोष्ठों का जो काम था, उसको हम लोग मजबूती के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः जो जो हमारे जो वंचित समाज थे, ये जो हमसे भाग गए थे, उनको भी हम लोग जोड़ करके मुख्यधारा में ला करके उनको हम संगठन में मजबूती के साथ काम करेंगे। कब तक सर ये चलेगा? मतलब ये दौरा अभी हमारा पूरे बिहार में प्रदेश में दौरा हम लोग कर रहे हैं। आज देख रहे हैं हमारे साथ पप्पू सिंह निषाद जी, दीपक निषाद जी, खासकर रंजीत सहनी जो यहाँ मजफ्फपुर के भी लोग हमारे वरिष्ठ साथी हैं, अशोक बादल जी उपस्थित हैं। सभी साथियों के बीच हम लोग सभी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और सभी जगह हम लोग लगभग 10-15 दिन में पूरे बिहार का भ्रमण होगा। उसके बाद हम लोग पार्टी का संगठन को हम लोग मजबूत करेंगे और संगठन को धारदार बनाएंगे। ऐसी बात नहीं है, वो चाहे जो मैंडेट आया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में जो बिहार में काम हुआ है, आप देख सकते हैं बिहार में 15 साल पहले के बिहार क्या था, आज बिहार क्या है। बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और मजबूती के साथ अति पिछड़ा समाज उनके साथ है। आज ही अति पिछड़ा समाज जहाँ भी एक है गोलबंद होकर नीतीश कुमार के पक्ष में काम करते हैं। रही वो चाह की बात, आने वाला जो समय देख लीजिएगा 2024 और 2025 आदरणीय नीतीश कुमार के फेस में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पुनः बिहार में मजबूती के साथ सरकार बनेगी। इस हार के लिए क्या पार्टी समीक्षा कर रही है? निश्चित, सभी लोग अपने अपने जो पार्टी लड़े हैं उनको समीक्षा करनी चाहिए कि कहाँ क्या हुआ। और जेडीयू तो एनडीए के साथ है, एनडीए में मजबूती के साथ आगे भी काम करेगी। विकास पुरुष के रूप में प्रसिद्ध आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अति पिछड़े के लिए बहुत काम किया है। वर्तमान समय में उनकी कुछ और योजना जो अति पिछड़ा के लिए कारगर साबित हो, ऐसी कुछ योजना है क्या? देखिए, खासकर बिहार में पहले एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए जिन्होंने अति पिछड़े समाज को आरक्षण दे करके मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है। खासकर पहले जो तो स्कूल, एक तो स्कूल होदवा नहीं करता था, लेकिन अब स्कूल भी हो रहा है तो जिला पंचायतों में, तो अब अति पिछड़ों के लिए आवासीय विद्यालय खोला जा रहा है। उसमें जो बच्चे यदि रहते हैं तो रहने के लिए, पढ़ाने के लिए उसको रसोई की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, पुस्तकालय की व्यवस्था, पुस्तकों की व्यवस्था की जा रही है।
खासकर छात्रावास में रहने, उसके बाद भी छात्रावास में रहने वालों लोगों के लिए बच्चों के लिए 1000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। उसके बाद यदि कोई बच्चे पास करके अच्छे आगे बढ़ते हैं तो UPSC की तैयारी करने के लिए उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए उसको भी पैसा दिया जाता है। तो तरह तरह से काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अति पिछड़े समाज के लिए किया जा रहा है। आशा है, पूर्ण विश्वास है, आगे भी अति पिछड़े समाज के लिए नीतीश कुमार काम करेंगे।